दिलाने का झांसा दे बैंक स्टॉप, राहुल ने किया दुष्कर्म। बांदा कमासिन। देश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं बांदा जिले के कमासिन क्षेत्र के अमलोखर गांव की एक महिला रामादेवी पत्नी अखिलेश कुमार ने एक बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि बैंक मैनेजर और फील्ड ऑफिसर राहुल ने लोन का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। महिला ने बताया कि वह लोन लेना चाहती थी और इसके लिए उसने बैंक मैनेजर से बात की। महिला ने शिकायती पत्र में बताया कि गांव में ही समूह में काम करती है और समूह के सिलसिले से बैंक से संबंध रहता था। महिला ने बताया कि घर खर्च के लिए के उत्कृष्ट बैंक राजापुर के बैंक मैनेजर से लोन लिया और बैंक मैनेजर ने महिला का लोन कर दिया। लोन के साथ साथ लोन की किस्तें भी बना दी, जो किस्तें 15-15 दिनों के अंतराल में बैंक में जमा करना पड़ता था। बैंक में तैनात कर्मचारी फील्ड ऑफिसर राहुल समय समय पर फोन के माध्यम से किस्त की जानकारी देता था और कभी कभी राजापुर से चलकर घर से किस्त के पैसे ले जाता था। मंगलवार को दोपहर को फील्ड ऑफिसर राजापुर राहुल घर आया और किस्त के पैसे मांगने लगा। महिला घर के अंदर से पैसे निकाल कर राहुल के हाथ में दे दिया। उस वक्त पीड़िता के घर में कोई नहीं था। सुने घर में राहुल की नीयत बिगड़ गई और पकड़ कर दुष्कर्म करने लगा। पीड़िता के चीखने और चिल्लाने पर राहुल ने घसीट कर घर के अंदर कमरे में ले गया और दुष्कर्म का अंजाम देकर वहां से भाग गया। महिला का आरोप है दुष्कर्म करते हुए आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी बनाए। उक्त प्रकरण की शिकायत महिला ने बैंक मैनेजर से किया तो बैंक मैनेजर ने उससे अभद्रता से पेश आया और महिला को उसका वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी और पीड़ित महिला को वहां से गली गलौज करके वहां से भगा दिया। इसकी शिकायत पीड़िता ने क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन को दी, लेकिन कमासिन SHO रामाश्रय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुप्ता, ब्लॉक संवाददाता कमासिन, AVP भारत न्यूज चैनल।